वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? तो अब सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही अलग है। तो अब चाय पीने के लिए चाय बनाना पड़ेगा, तो आइए चाय बनाते हैं। आज चाय के लिए दूध लेगा, दूध 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 हाँ दूध मिल गया है, तो दूध का बनाएंगे चाय। ओ गैस तो बड़ी तेज चल रहा है यार। इसको अब दूध डालेंगे। दूध बनाना है, चाय पिलाना है, तो इसमें चाय पत्ती डालेगी। चाय पत्ती कहाँ है? चाय पत्ती नहीं दिख रहा है। हाँ ये है शायद चाय पत्ती ना। तो चाय पत्ती डालेंगे इसमें अब दूध में। ये चला जाए, थोड़ा सा और डाल दूंगा। अब हो जाएगा, शायद हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल लेता हूँ, कोई नहीं इतना ही। तो अब थोड़ा सा उबाल आएगा, चाय तो अब खदकने लगा है, उबाल मारने लगा है चाय। अरे भूल गया, इसमें चीनी भी डालना होता है ना, अभी चीनी डालते हैं इसमें। तो अभी बहुत गड़बड़ हो गया है, चाय में तो बना रहा था तो चाय में ना चाय पत्ती और सब कुछ डाल दिया। ये तो ऐसे डाल दिया चाय पत्ती और दो दो सब खदक रहा है। अब चीनी नहीं है घर में, तो चीनी है ही नहीं बिल्कुल घर में, तो दुकान से लाना पड़ेगा। तो अभी दुकान फिर जाना पड़ेगा लगता है। तो मेरे घर में ना गुड़ है, तो मैं गुड़ सोचता हूँ डालूँ। तो गुड़ मिल गया है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गुड़ मिला है। अब इसको अप्लाई करेंगे, इसमें डाल देंगे चाय में। थोड़ा सा काट लेते हैं ना, काट के डालते हैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ। तो गुड़ मिल गया है, तो गुड़ इसको काट लेते हैं छोटा छोटा, डालेंगे। अरे मामा कटी नहीं रहे तो। हाँ थोड़ा थोड़ा कट रहा है, कितना रहेगा इसमें? बड़ी गुड़ काट लिया, अब इसमें डाल देता हूँ चाय में। थोड़ा सा और डालता हूँ, शायद अब मीठा हो जाएगा। चीनी नहीं था घर में आज, तो इसी से बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाय रेडी हो गया है, अब चाय बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, रेडी हो गया है। तो अब हम लोग गिलास में इसको डालेंगे और पिएंगे। गैस बंद कर दे रहे, और अच्छा अच्छा है, टेस्टी है गुड़ की चाय भी। अच्छा कभी चीनी खत्म हो जाए तो गुड़ डाल के भी बना सकते हैं। चाय पीजिए आप भी। ठंडा आज हमारे यहाँ बहुत पड़ रहा है, तो चाय पीने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ऐसे रेगुलर नहीं पीते हम लोग, कभी कभी ना, शौकीन नहीं है, कभी कभी दूध पीते हैं, छोटे बच्चे हैं हम लोग, कभी कभी चाय पीते हैं जब मन कर जाता है। बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है तो कभी कभी मन करता है तो पी लेते हैं, नहीं तो ऐसे मतलब हमें वो आदत नहीं है कि सर दर्द होने लगे कि भैया हमें तो चाय चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमारे घर में पेंट का जो काम चल रहा था, तो जो सीढ़ी वाला आप देख रहे होंगे, देखिए ये सब क्लियर हो गया है, अच्छे से पेंट हो गया है और ये पूरा हो गया अच्छे से। आप देखिए ये कलर हुआ है कुछ ऐसा। मैं कारपेंटर आ गया घर में, जो लकड़ी के काम का ठेका लेता है। मेरी बीवी डॉली जो पता नहीं क्या बनाने में लगी पड़ी है, पेचकस पिलास से लेके कब से मैं देख रहा हूँ, 1 घंटा से। सोचा कि वीडियो ही बना लूँ इसका, थोड़ा सा हो जाए। क्या बनाने का मर्जी है आपका? क्या कह रहे हो? देख लो क्या बना दिया भाई, तूने क्या बना दिया? ये बनाया मैंने। क्या बनाया भाई? आगे चप्पल खोल के, अरे जूता रखने वाला। कहीं से भी आओ जूता खोल दो यहाँ पे। हाँ। तब घर में जाओ, तब घर में जाओ। अच्छा चलो कुछ अच्छा बनाया ही है, आओ अपना जूता खोलो और फिर घर में जाओ।
फिर यहाँ बैठो, आराम करो, माता रानी का आशीर्वाद ले लो आप लोग भी। माता रानी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है लाइफ में। खैर, तो हमारा घर में जगह नहीं था, तो इसके लिए हम लोग ना इस गीजर को ना ऊपर रखना है। डॉली उठा पाएगी क्या? वेरी गुड, वारे शेर। इस गीजर को ना हम लोग को ऊपर शिफ्ट करना है, इसके ऊपर रखना है। डॉली सीढ़ी लगाएगी, फिर ड्रम पर चढ़ेगी और फिर बहुत काम करती है बेचारी, शायद गिरा ना दे, टूटी ना जाए। गीजर बड़ी संभाल कर रखे हैं कि अपना घर जब होगा तो अपने घर में गीजर लगाएंगे। ये तो टूटने से, चलो वो कैमरा आएगा, कैमरा से नहीं दिखेगा। फिर तार बचा के, तार बचा के ऊपर करो तार। हाँ, तो एक ये भी रखना है, खांचा है, कुछ भी बोल लो इसको। इसको भी ये फालतू पड़ा हुआ है तो इसको ऊपर उधर शिफ्ट हो जाएगा। रूम में फालतू रख के क्या करेंगे ना, तो ये साइड में शिफ्ट रहेगा। अब इसको ना कवर कर दो। हाँ, अरे तो डॉली अब इस पर चढ़ेगी और उसको अच्छे से कवर करेगी। अच्छे से नहीं हुआ है, देखना गिर मत जाना। तो ऐसा हो गया, अब शिफ्ट ऊपर, अलमारी के ऊपर रख दिए इसको। उतर जाओ, हटा दो सीढ़ी को, हटा दो। अरे बाप, डॉली के अंदर वो साइड में रख दो, ये जूता चप्पल सब फालतू में पड़ा हुआ था बाहर, तो सबको अलग अंदर अब रूम में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जूता चप्पल को अंदर रखेंगे अलमारी के नीचे। सब हिमांशी का है, 5-6 जोड़ी 10 जोड़ी होगा कम से कम इसका। इसका अंदर बहुत सारा नीचे सजा के रखे हम लोग कभी कभी। पंखा सफाई आज चल रहा है, बहुत दिन से पंखा सफाई नहीं हुआ था, और ये ऐसे भी ठंडा में रखा हुआ था तो गंदा हो गया। और ये यूज में नहीं आता है, बस अब ये रखा हुआ है, कोई आ जाता है तो उसके लिए लगा देते हैं। रूम में तो अलग पंखे लगे हैं, ऊपर वाले छत वाले। आज बर्तन धुल रही है ठंडा में, ठंडा पानी से खा के रख देता हूँ। अच्छा, करना ही पड़ेगा, सब कुछ करना है हमें, क्या कर सकते, दुख कहाँ रोए है आपको। हाँ, खा के इतना मत खाया करो, इतना सारा बर्तन कर लो, मुझे ठंड लगती है, मैं इंसान हूँ, तो प्लीज कृपया करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम बर्तन किया करो। ये हमने चिकन लाया है और लेग पीस है, टंगरी भी है और प्याज, और इधर आलू डालेंगे इसमें, हम लोग आलू डाल के बनाते हैं, तो इसमें आलू का भी काम चल रहा है। I'm not afraid to die.
हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसमें सारा कुछ मिलाएंगे, मैरिनेट करेंगे चिकन को। इसमें आलू, मिर्ची, टमाटर, प्याज, ऐसे चिकन बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप सब एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। ये चिकन मसाला, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है तो टेस्टी लगता है। इसमें जाएगा मसाला, इसमें है लहसुन, अदरक, मिर्ची और जीरा पीस के, इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। अच्छे से मैरिनेट करके फिर इसको आधा घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। ऐसे मैं बना भी लेती हूँ तुरंत ही, पर अभी चावल जब तक बन रहा है जब तक इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद में बनाऊंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, अब अच्छे से हो गया है ये। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही जब तक चावल बन रहा है, उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊंगी। सरसों का तेल बस इतना काफी रहेगा क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था, और फिर बस 2 मिनट इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने दूंगी। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मिर्ची, तेल गर्म हो चुका था अच्छे से, तेज पत्ता और ये दालचीनी और काली मिर्च, जीरा, ये हम बस चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से चला लेंगे एक बार, और बस कुछ नहीं करना, हमें ढक देना, ऐसे ऐसे ढक देंगे इसको। हम दोबारा से चला देंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि चिकन सारा अच्छे से पके और जले भी ना, कढ़ाई में हमारा ना चिपके, तो बीच बीच में इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते भी रहना है। सूखा निकाल लूंगी मैं क्योंकि सूखा ज्यादा टेस्टी लगता है, हम लोग सूखा बहुत पसंद आता है हमें। अब बाकी मैं थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी करूंगी, ज्यादा नहीं, पानी मसाला वाला ही था तो उसी को धो के मैं डाल दूंगी, इतना ही डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ही ग्रेवी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस इसको पका लूंगी थोड़ा सा, फिर हमारा तैयार हो जाएगा। मसाला डालूंगी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कैसे भाप निकल रहा है ना। हाँ, अब बस हो गया, हमारा चिकन पक चुका है, और आप सब भी ऐसे ही एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस दोस्तों बन चुका है, अब हम खाना खाएंगे। मैं बंद कर देती हूँ गैस को, इसमें धनिया पत्ती भी डालना है पर मेरे पास तो है नहीं अभी, तो मैं ऐसे ही सर्व करूंगी। तो हमारा आप खाने के लिए थाली रेडी हो गया है, अब हम लोग खाएंगे। गरम चिकन लेग पीस, गरम 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 चिकन लेग पीस, तो ये तो हमारा ऐसे सूखा निकाले हैं, ये तरी वाला निकाले हैं, तो हम लोग खाना खाएंगे चिकन और भात। टेस्टी बनाया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, आप सब हमारा ब्लॉग देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमें और भी हिम्मत मिल जाएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट कीजिएगा।